हाय स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर फ्रॉम शिवम एजुकेशन। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं स्टैट्स क्लास 12 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक वीडियो पे किया है और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अलग किया है। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ केडी शिवम चैनल में सर्च कीजिए, यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद वॉच करो, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू करो, ओके। और अगर आपको पसंद आया प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, वो बेल आइकन प्रेस करो सो देट आपको हर बार ये नोटिफिकेशन मिलता रहे, ओके। प्लीज़ शेयर, ओके। चलो लेट्स कंटिन्यू। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 2015। आइटम यूनिट, राइट, प्राइस क्वांटिटी 2014 का और 2015 का प्राइस और क्वांटिटी। तो 2014 का हम लेंगे P0, Q0 और 2015 में P1, Q1 लेंगे, राइट। अब जैसे मैंने इसके पहले वाले सब में बताया था, जब भी यूनिट अगर अलग अलग दिया है तो उसको हमको कन्वर्ट करना जरूरी है। टेबल बनाने से पहले, क्वेश्चन से पहले ये इसको कन्वर्जन कर लीजिए, राइट। पहला वाला आइटम ए, आइटम ए में अगर आप देखेंगे 20 kg है, प्राइस दिया है 120, राइट। तो प्राइस पर केजी क्या हो जाएगा, 120 अपॉन 20, दैट इज 6 rupees पर केजी, राइट, हो गया। फिर उसके बाद यहां देखिए आइटम बी, आइटम बी में देखिए 5 dozen कितना दिया है, 120। तो अगर मैं है तो प्राइस पर 1 dozen कितना हो जाएगा, 120 upon 5, तो 5 × 10, 5 × 4 = 24, राइट, 24 rupees। और फिर इसके बाद केजी 4 बराबर दिया है, लेकिन यहां पे क्या दिया है, ग्राम में दिया है। तो फॉर आइटम सी, राइट, क्या हो गया 5000 ग्राम, उसको क्या करेंगे हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 5 kg, राइट, डन। फिर इसके बाद आइटम डी, ये सब किसके लिए था, 2014 के लिए, राइट। आइटम डी, आइटम डी में क्या आएगा, 5 liter है, राइट, और ये कितना दिया प्राइस, 52, देयरफॉर प्राइस पर लीटर इज इक्वल टू 52 upon 5, 5 × 5 = 0.10 rupees 40 paise, राइट। तो दिस इज पर लीटर प्राइस। अब यही हुआ हम लोग 2015 के लिए। नाउ 2015 में अगर देखो तो आइटम ए, आइटम ए में क्या आएगा, राइट, 20 केजी दिया है लेकिन 280, तो प्राइस पर केजी 280 upon 20, दैट इज 14 rupees, राइट, पर केजी, ओके। फिर उसके बाद डजन, 5 dozen दिया है, तो चलो आइटम बी, प्राइस पर डजन क्या आएगा, 140 upon 5, दैट इज 5 × 10, 5 × 40, राइट, 28 rupees पर डजन। अच्छा, 28 rupees पर डजन है, तो यहां पे 48 pieces है, तो यहां लिख दो 48 pieces इज इक्वल टू 4 dozen, क्योंकि 12 pieces का 1 dozen, तो ये 4 dozen हो गया। फिर उसके बाद ये केजी, ये 8 और ये 4 kg बराबर है। फिर उसके बाद लीटर, 5 liter दिया है, तो आइटम डी, आइटम डी में देखिए 58, तो प्राइस पर लीटर 58 upon 5, 5, 5, 6, 30, 6, 11.60, राइट। तो दिस इज द प्राइस, 11 rupees 60 paise प्राइस, ओके। अब ये इसे हम टेबुलर फॉर्म में चेंज करते हैं, राइट, लेट्स डू इट। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन, ओके। वी हैव प्रिपेयर्ड द टेबल, नाउ जस्ट डू द कैलकुलेशन। P1, Q0, that is 140,
15 × 11.60 174 राइट right? अब ये टोटल भी कर लेते हैं 174 और ये 40 438 राइट नेक्स्ट पी जीरो क्यू जीरो 6 × 10 = 16 and 10.4 × 20 208 ओके अब ये 208 यहाँ डाल देते हैं 90 + 96 + 16 + 208 410 राइट अब ये वैल्यू हमको जो आइडियल इंडेक्स नंबर किसे बोलते हैं फिशर्स इंडेक्स नंबर को बोलते हैं राइट तो फिशर्स इंडेक्स नंबर में हम वैल्यू डालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन पी जीरो क्यू वन और पी वन क्यू वन अपॉन पी जीरो क्यू वन राइट इस पर जो कर लेते हैं चलो नहीं लेट्स सी ओके पी वन क्यू जीरो कितना है पी वन क्यू जीरो 438 अपॉन पी जीरो क्यू जीरो 308 मल्टीप्लाइड बाय 586 डिवाइडेड बाय 410 × 100 राइट अब ये हम लोग करते जाते हैं राइट पहले लिख लेते हैं 438 डिवाइडेड बाय 308 यह आएगा हमारा 1.422 into स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द पास्चर्स एंड फिक्स्चर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014 यूजिंग द डेटा गिवन बिलो राइट ये क्वेश्चन का टेबल बनाया है ये इसलिए बनाया है कि आपको ये पी जीरो क्यू जीरो दिया है पी जीरो तो बराबर है लेकिन क्यू जीरो जो है उसको कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि ये टोटल एक्सपेंडिचर दिया है तो क्यू जीरो क्या होगा टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस पर यूनिट दैट इज पी जीरो बराबर ये क्या हो जाएगा देखिए 400 upon 100 ये हो जाएगा 4 राइट आपको इस तरह कन्वर्ट करना है तो सेकंड वाला देखिए क्या होगा सेकंड वाला होगा 500 upon 100 दैट इज 5 थर्ड वाला 600 upon 150 दैट इज 4 फोर्थ वाला 1080 upon 180 दैट इज 6 राइट फिर उसके बाद फिफ्थ वाला क्या है फिफ्थ वाला आएगा 1000 upon 250 That is 4. इस तरह करना है ये कन्वर्ट कर दें तो क्यू जीरो मिलेगा उसी तरह आपको क्यू वन भी इसी तरह फाइंड करने का 720 upon 120 600 upon 120 800 upon 160 1000 upon 200 इस तरह करके फिर इसके बाद टेबल बनाओ ओके लेट्स प्रिपेयर द टेबल नाउ लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन ओके चलिए पी वन क्यू जीरो पी वन क्यू जीरो राइट 12 × 48 = 480 12 × 60 = 600 16 × 64 = 640 26 = 12 1200 4 × 3 = 12 = 1200 इसका प्लस कर देते हैं 4120 राइट ये वाला अब नेक्स्ट पी जीरो क्यू जीरो पी जीरो क्यू जीरो 100 × 4 = 400 100 × 5 = 500 150 = 600 5 × 8 = 44 दैट इज 900 और लास्ट में 250 × 4 दैट इज 1000 चलो ऐड कर लेते हैं यहां से 400 + 500 + 600 1080 + 1000
3580, राइट। फिर उसके बाद ये देखें 720 3750, ओके राइट। नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला। फास्ट चेस फॉर्मूला क्या है, आईपी इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इनटू 100, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। P1 Q1 क्या लिया हमने, P1 Q1 है 4320 अपॉन P0 Q1 दैट इज 3750 इनटू 100। चलो मल्टीप्लाई करते हैं 4320 115.20, राइट। पहला वाला आंसर आ गया। अब यही वैल्यू हम लोग यहां पुट करके देखते हैं, राइट। लेट अस डू P1 Q1 अपॉन P0 Q1 तो हमने ढूंढ लिया है, अब जो करना है खाली इसके लिए करना है, राइट। तो P1 Q0 क्या है, 4120 अपॉन P0 Q0 3580, राइट, इनटू ये वाला तो हमारा आ गया था दैट इज 4320 अपॉन 3750, राइट, इनटू 100। चलो लेट्स पुट द वैल्यू एट 4120 डिवाइडेड बाय 3580 कितना आएगा, 1.1508 इनटू 4320 डिवाइडेड बाय 3750 एट इज इक्वल टू 1.152 राइट इनटू 100। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.1508 इनटू 1.152 इज इक्वल टू, और इसका आएगा 1.1513 दैट इज ये 14 लिख देते इनटू 100 क्या हो जाएगा 115.14, राइट। ये आपका आंसर आएगा 115.14, देख लीजिए, ओके, जस्ट चेक इट आउट। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.3, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको हमारा मेथड पसंद आया तो प्लीज शेयर करो ये वीडियो को और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और हो सके तो वो बेल आइकन प्रेस करो सो दैट यू कीप ऑन गेटिंग अवर नोटिफिकेशन ऑफ अवर नेक्स्ट वीडियो, ओके। प्लीज प्रैक्टिस जितना हो सके, एक्सरसाइज सम्स सारे प्रैक्टिस करो, जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स स्कोर सकते हैं, ओके। आई होप यू विल डू इट, राइट। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय। टिल दैट, बाय।